नमस्कार मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे योग के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले को भी गलत संगत या गलत आदतों में डालकर जो है कि रंग बना सकता है, पैसे पैसे को मोहताज कर सकता है। तो वो कौन से ग्रह हैं जो कि मतलब कि जिसकी वजह से, या वो कौन सा योग है जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ जाती है कि जो बंदा बहुत ही पैसे वाला करोड़पति टाइप होता है और जो कि अपने सारे पैसे जो है बर्बाद कर देता है और जो है कि सड़क पर आ जाता है। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये योग क्या है। तो हमारी जन्म पत्रिका के अंदर अगर शुक्र यहाँ बैठा हो, वैसे इसके अलावा भी कहीं और भी बैठा हो शुक्र, तो उसके आगे कंडीशन है। शुक्र अगर यहाँ बैठा हो तो वो जो है कि जो अपने जीवन साथी के जो साथ रिश्तों में जो है कड़वाहट लाता है, ये शुक्र अकेला बैठा हो यहाँ पर जो है कि छठे भाव के अंदर, तो ये देखने में आया है कि जो है कि उनका जो पारिवारिक जो जीवन है, जो हमारा जो गृहस्थ जीवन है, उसके अंदर उथल पुथल मची ही रहती है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। तो ये सिर्फ अकेले शुक्र जो यहाँ पर बैठते हैं होने से भी काफ़ी देखने को मिला है। लेकिन जिस योग के बारे में आज बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो है कि आप ये देखें कि आपका जो है कि राहु यहाँ आ जाए और जो है कि शनि यहाँ आ जाए, तो इस तरीके से जो है कि एक तरफ जो है शुक्र जो है कि हमारी पत्नी का कारक है, हमारे सातवें भाव का कारक बोला गया है, हमारी शादीशुदा जिंदगी का कारक बोला गया है, और शुक्र को जो है कि लक्ष्मी का रूप बोला गया है शास्त्रों के अंदर। तो लक्ष्मी भी हमारी शुक्र, और लक्ष्मी मीन्स वेल्थ मनी, तो वो भी इसको बोला गया है। तो जो कि यहाँ पर ये बैठने से जो है कि होता क्या है कि जो शुक्र है जो है वो पाप कर्तृ योग के अंदर आ गया है। पाप कर्तृ योग में दोनों तरफ जो पाप ग्रह होते हैं वो बैठ जाए तो उससे जो है कि पाप कर्तृ योग बनता है, जिसके क्योंकि उसकी पीड़ा उन दोनों तरफ पाप ग्रह उसको घेर लेते हैं, तो उसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनको कार्य नहीं कर रहे थे, उनके अंदर जो अपनी जो उनके जो सिग्निफिकेटर हैं या उनके जो बुरे आदतें जो उन ग्रहों के सिग्निफाइड होती हैं वो उसके अंदर मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने एक अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें कि शुक्र और शनि अगर सातवें भाव में थे तो अवैध संबंध देता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो शुक्र और शनि ग्रह वो दोनों ही हैं और दोनों ग्रहों ने इनको जो है कि इसको घेर लिया है। तो इसको शुक्र जो है बीच में पीड़ित हो गया है, शुक्र जो कि हमारे सातवें भाव का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, तो इसकी वजह से जो है शुक्र और शनि के बीच में होने की वजह से इस जातक को जो है कि ये जरूरी नहीं कि शादी के तुरंत बाद जब ये मतलब कि चलायमान हो गई, दशा हो गई, या किसी वजह से ये घर एक्टिव हो जाता है, छठा घर एक्टिव हो जाता है या सातवां घर एक्टिव हो जाता है, तो उस वक्त जो है कि चाहे राहु की दशा है, शनि की दशा है, या मतलब शुक्र की दशा है, इसमें इनका प्रेंतर दशा है, तो इस तरीके से जिसमें में चालोगी हो सकता है 10 साल बाद 15 साल बाद भी हो वो शादी के जरूरी नहीं शुरुआत के अंदर। तो देखो कि बहुत सीधा साधा एक सिंपल सा इंसान जो कि सिर्फ पैसे कमाता है, अपने घर आता है, घर से वहां अपने काम पे जाता है, बहुत ही सिंपल जिंदगी जी रहा है, तो अचानक जो है कि उसके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि वो मदिरा भी पीने लग जाता है, यानी कि दारू पीने लग जाता है और जो है कि नॉनवेज खाने लग जाता है, और जो है कि मतलब कि दूसरी जो औरतें होते हैं उनके पास भी जाने लग जाता है। तो मतलब इस तरीके से उसका नेचर एकदम से चेंज हो जाता है और वो जो है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी जो होती है उसके ना ध्यान देते हुए सारा ध्यान उधर केंद्रित कर लेता है अपने अयासी पे। इस वजह से जो है कि धीरे धीरे वो अपना सारा धन बर्बाद करने पर तुला रहता है और किसी की बात मानता भी नहीं है और ना ही समझता है, ना इस चीज को गौर करता है, और जो कोई समझाता है तो उसको भी मतलब उससे भी लड़ने भागता है, उस जो वो एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है, उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहता, निकल नहीं पाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो बोला गया है इस योग को जो हमारे जो शास्त्रों के अंदर पाप कर्तृ योग बोला गया है, पाप कर्तृ मतलब कि पाप ग्रहों से काटना, कर्तरी का मतलब काटना होता है, तो वो जो इसके सिग्निफिकेटर को जो पाप ग्रह दोनों तरफ से कैंची की तरह इसको काट देते हैं उसके सिग्निफिकेटर को, तो वो इस तरीके से शास्त्रों में मैं आगे जो हमारे एक श्रृंखला मैं बना रहा हूँ इसमें बेसिक जो रूल्स दे रहा हूँ जिसके अंदर 3 या 4 मतलब वीडियो हैं उसके अंदर, उसको जरूर देखिएगा, उससे आगे जो आगे मैं दृष्टियों के ऊपर उसका पाप कर्तृ योगों के ऊपर भी बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा खुलकर सिखाऊंगा इसको। लेकिन कहीं पर भी आपका जो शुक्र शनि राहु और जो है कि जो मतलब कि सातवें घर से रिलेटेड हो, इसके अंदर आप देखोगे कि सातवें घर के अंदर जो है कि शुक्र बैठा हुआ है और शनि तीसरी दृष्टि से सातवें घर को देख भी रहा है, यानी कि उसको बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ रहा है उस घर को, तो इस तरीके से भी आप उसको विवेचना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ जरूरी नहीं है कि शनि ही हो, यहाँ पर दूसरा पाप ग्रह भी हो सकता है, पाप ग्रह के अंदर मान लीजिए कि आपका आ गया मंगल है, सूर्य है,
तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या रहेगा, जो कि मंगल और जो सूर्य है वो हालत इतना नहीं बिगाड़ेंगे, हो सकता है कि बाद में उसको समझ आ जाए, या उसका जो है कि सूर्य है तो उसका जो एक आत्म बल के तो बोल सकते हैं उसको कि, तो वो उससे आत्म बल से अपने उससे बाहर निकल कर आ जाए। इस तरीके से सूर्य और जो मंगल है वो एक तरीके से जो है कि अच्छे ग्रह भी माने गए, क्योंकि मंगल मंगल नाम ही हो गया तो मंगल हो गया, वो मांगलिक वगैरह की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, तो वो मंगल जो है कि मंगलकारी है तो वो है, और सूर्य जो हमारे देवताओं का मतलब हमारे ग्रहों का राजा है। तो इस तरीके से जो हम देख सकते हैं कि इससे भी मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो है कि उसमें क्या है कि मंगल और जो सूर्य है उसके होने से जो है उससे वो निकल के बाहर आने की उसकी खुद की आत्मविश्वास और हिम्मत इतनी होगी, मंगल हमारा जो क्रेज का कारक है तो वो इतना हिम्मती होगा, ना टूटने वाला होगा कि वो उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि होने से शनि क्या है कि शनि उसको मदद करेगा राहु को इधर से, और राहु जो है कि उल्टा चलता है हमेशा, कभी भी देखना कि राहु इधर शनि इधर होने से भी यही फल आएंगे, लेकिन वो उसमें मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु इधर है तो राहु हमेशा जो है कि वक्री चलता है, शनि हमेशा सीधा चलता है। वक्री भी होता है शनि, लेकिन तकरीबन तो सीधा वक्री है तो एक अलग बात है, वो अलग से विवेचना की जाएगी उसकी। लेकिन अगर शनि ये राहु इधर से आ रहा है और इधर शुक्र दोनों को दबा रहे हैं, वहां पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिगड़ा और जो है कि गलत संगत के अंदर गया, इसमें जो कि वो उसके जो है अवैध संबंध भी हो जाएंगे, दूसरों से दारू भी पीने लग जाएगा, पैसे भी आनंद फानंद में खर्च करेगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देगा। इस तरीके से देखा अगर आपके जीवन साथी के या किसी जो है कि मित्रगण वगैरह के अगर ये योग है और वो इस तरीके की परिस्थिति में, तो इसके उपाय के तौर पर करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि आपको रोटी बनानी है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना, सरसों के तेल रोटी को चौपड़ को बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब उसको लगाने के बाद उसको जो है कि आपको कुत्तों को डालना, काले कुत्ते को डाल दो शनिवार के शनिवार, तो वो मतलब कि आपको जो है कि सात शनिवार करने, जिससे कि आपको जो है कि इस जो जिसके भी ये कुंडली के अंदर है ये ना करके इसकी पत्नी कर सकती है इसको, तो उससे जो है कि बहुत ही रिलीफ मिलेगा, और देखना धीरे धीरे जो तीन या चार जो शनिवार होगा तो ये उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आशा है कि मेरे को कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।